पीबीसी आधार कार्ड मंगाने के लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी, जो सिंपली आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे UIDAI udai.gov.in। नीचे आ रहा है udai.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसका होम पेज खुलाएगा। होम पेज पे ही आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा गेट आधार कार्ड। गेट आधार कार्ड सेक्शन में आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करते ही एक न्यू पेज खुल जाएगा। उस न्यू पेज में आपको पीवीसी आधार कार्ड की डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे पीवीसी आधार कार्ड की डिटेल लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि सिक्योर क्यूआर कोड, होलोग्राम, ग्लूच पैटर्न और घोस्ट इमेज एंड माइक्रोटेक्स। तो ये जो पीवीसी आधार कार्ड होगा पुराने आधार कार्ड से यूनिक है, और कभी भी अगर आप बाहर से पीवीसी आधार कार्ड बनवा लेते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इस आधार कार्ड में घोस्ट इमेज जो माइक्रोटेक्स दिया हुआ है और ग्लूच पैटर्न दिया हुआ है, वो बाहर से जब आधार कार्ड पर पीवीसी प्रिंट कराएंगे तो वो मान्य नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ये आधार कार्ड वैलिड होगा जो आप यूडाई की वेबसाइट से मंगाएंगे, और यानी आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप मंगाएंगे। मगर इस आधार कार्ड को मंगाने के लिए आपको ₹50 का चार्ज भी देना होगा, जो कि इसमें GST इंक्लूडेड है। तो इस आधार कार्ड को मंगाने के लिए सिंपली आपको अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी या इनरोलमेंट नंबर, तीनों में से कोई एक भी चीज़ फिल करनी होगी, यहाँ पे डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पे अपना 12 अंकों का आधार नंबर आप डाल देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 2215। मैंने 12 अंकों का आधार नंबर डाल दिया। फिर इसके बाद एक सिक्योरिटी कोड, फिर उसके बाद अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो आप उसको डाल देंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालकर मंगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जब पीवीसी आधार कार्ड मंगाएं तो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आप कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालकर पीवीसी आधार कार्ड मंगा सकते हैं। तो मेरे पास रजिस्टर्ड मोबाइल है, फिर भी मैं दूसरा मोबाइल नंबर डालकर ये आधार कार्ड मंगाऊंगा, ताकि आप जान सकें कि दूसरे मोबाइल नंबर को भी डालकर आधार कार्ड मंगाया जा सकता है। अब एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट आप जब करेंगे तो नीचे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और आप प्रीव्यू तब कर सकते हैं जब आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, तो यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन भी दिखाएगा, सिर्फ उनके लिए जिनने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला होगा, तो उनके लिए यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाएगा। मगर मैंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं डाला है, इसलिए यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट करनी होगी तो मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट के लिए फ्री पेमेंट के लिए ₹50 की पेमेंट होगी। फिर पेमेंट के लिए इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखा है, मैं डेबिट कार्ड चुनता हूँ, यानी ATM से। ATM से पेमेंट करने के लिए मुझे अपना ATM नंबर डालना होगा, एक्सपायरी डेट, CVV। CVV ATM के पीछे दिया हुआ 3 अंकों का डिजिट होता है, जो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। इन तीनों को फिल कर हम प्रोसीड करेंगे तो आधार कार्ड हमारा अप्लाई हो जाएगा, हमारा PVC आधार कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको, ये सब कर कार्ड डिटेल्स डाल दी। अब कार्ड डिटेल डालने के बाद मुझे प्रोसीड करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग पेमेंट होने लगी। अब उसके बाद एक OTP आ जाएगा, जो को मुझे वापस रिटर्न करना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है और पेमेंट हो गई। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास एक SRL नंबर आ जाएगा। ये SRL नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सेव करके रखना है। इसी SRL नंबर से आप चेक कर पाएंगे अपना PVC कार्ड का स्टेटस, कि वो अभी अप्लाई हो गया कि नहीं अप्लाई हो गया और कब तक वो आएगा। ठीक है, इस SRL नंबर को आपको सेव करके रखना है। जिस तरह से SRL नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद आपको नीचे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपको वापस से आधार कार्ड के होम पेज पर जाना है।
आधार कार्ड के होम पेज पे जाते ही आपको नीचे दिखेगा चेक आधार कार्ड पीवीसी कार्ड स्टेटस। यहाँ पे आप अपने पीवीसी कार्ड के स्टेटस को चेक करते हैं वही एसआरएल नंबर डाल के, जो एसआरएल नंबर अभी हमने कॉपी किया था उसी एसआरएल नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे। हमने एसआरएल नंबर जो हमको मिला था हमारे पेमेंट करने के बाद, एक एसआरएल नंबर मिला जिस एसआरएल नंबर को हमने कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। फिर उसके बाद हमने आधार कार्ड नंबर डाला, फिर उसके बाद कैप्चा यानी सिक्योरिटी कोड डाला। अब हम अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। हमने चेक स्टेटस पर क्लिक किया और स्टेटस अभी आ रहा है, ठीक है, ये हमारा एसआरएल नंबर है और स्टेटस में दिखा रहा है पेमेंट सक्सेस, यानी हमारी पेमेंट हो गई है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी कर सकते हैं, यानी हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, उसमें एसआरएल नंबर उसमें भी होगा, मगर हम ऐसे एसआरएल नंबर से अपना स्टेटस बार बार चेक कर सकते हैं। विद इन 15 डेज ये आधार कार्ड हमारे घर पर एक्सपायर स्पीड पोस्ट